नमस्कार, मैं सिद्धांत सहगल मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। राहु और केतु राशि बदलने वाले हैं और आप जानते ही हैं कि राहु और केतु की चाल उल्टी होती है, इसलिए ये दोनों ग्रह मेष और तुला से मीन और कन्या में आएंगे, यानी राहु मेष राशि से जाएंगे मीन राशि में और केतु तुला राशि से कन्या राशि में आएंगे। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में आ जाएंगे और 20 मई 2025 तक रहेंगे। राहु और केतु 18-18 महीने एक राशि में विचरण करते हैं और ये गोचर फल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चंद्र राशि से बता रहा हूँ। राहु को नैऋत्य दिशा का स्वामित्व प्राप्त है, केतु को भी नैऋत्य दिशा का ही स्वामित्व प्राप्त है। हालांकि मतांतर से कई लोग कहते हैं कि केतु ईशान कोण का कारक होता है, यानी ईशान कोण का स्वामित्व प्राप्त है केतु को। इसके पीछे वो तर्क ये देते हैं कि राहु इसके पीछे वो लोग ये तर्क देते हैं कि राहु और केतु हमेशा आमने सामने होते हैं 180 डिग्री पे, लेकिन मैं समझता हूं राहु केतु के आमने सामने होने का वो रूल यहाँ लागू नहीं होता। जन्म कुंडली अलग होती है और वास्तु एक अलग चैप्टर है। जन्म कुंडली में भी होरा कुंडली में राहु और केतु एक ही राशि में होते हैं, एक ही लग्न में होते हैं, तो स्थितियों के अनुसार बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। राहु मीन राशि में विचरण के दौरान सबसे पहले रेवती में, फिर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में और अंत में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अंतिम चरण में होंगे। राहु की उल्टी चाल की वजह से ये रेवती से पूर्व भाद्रपद की तरफ जाएंगे। राहु के रेवती में विचरण के दौरान धन के मामले में आप भाग्यशाली हो सकते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में विचरण के दौरान जातकों का मन धर्म कर्म में लगेगा, समाज को नई दिशा दिखलाने में मदद करेंगे। और पूर्व भाद्रपद में विचरण के दौरान आप अपनी पुरानी यादों को सहेजने की कोशिश करेंगे, पुरानी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। ये गोचर का फल जो है, ये जनरल फल बता रहा हूं, ये लगभग सब पे लागू होगा, लेकिन अपनी अपनी लग्न और अपनी अपनी राशि और जन्म कुंडली में चल रही दशा अंतरदशा के अनुसार इन फलादेशों में अंतर आ जाता है। मैं सिर्फ ग्रह के नक्षत्र में रहने का फल आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। केतु कन्या में विचरण करेंगे और कन्या में विचरण के दौरान सबसे पहले केतु देव चित्रा नक्षत्र में, उसके बाद हस्त नक्षत्र में, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विचरण करेंगे। केतु को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के तीन चरण मिलेंगे यहाँ, चित्रा मंगल देव का, हस्त चंद्र देव का और उत्तरा फाल्गुनी सूर्य देव का नक्षत्र होता है। चित्रा में विचरण के दौरान आपको कला के क्षेत्र से अलग कर सकते हैं ये, यानी अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो केतु का विचरण आपको वहां परेशानियों में डाल सकता है। अगर आप नृत्य करते हैं तो आपको नृत्य के दौरान चोट लग सकती है। हस्त नक्षत्र में विचरण के दौरान हस्तकला के क्षेत्र में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, आपके स्वभाव में कठोरता बढ़ेगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विचरण के दौरान प्रेम संबंधों में अत्यधिक वास्तववादी बनने के चक्कर में आप नुकसान उठाएंगे, पर समाज में कोई उच्च पद आप प्राप्त कर सकते हैं। राहु और केतु छाया ग्रह कहलाते हैं, लेकिन जन्म कुंडली और गोचर दोनों में इन ग्रहों का जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। राहु और केतु दोनों मायावी ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि राहु और केतु एक ही व्यक्ति के दो भाग हैं, राहु शर है और केतु उसका धड़। लेकिन एक व्यक्ति के दो भाग होने के बावजूद राहु दरअसल ज्यादा माया का कारक है, इसलिए राहु और केतु के स्वभाव में थोड़ा अंतर भी है। राहु लालच और अंतहीन इच्छाओं का कारक होता है और केतु इच्छाओं के अंत का कारक होता है। राहु जिस ग्रह के साथ और जिस भाव में बैठते हैं उस ग्रह के कारकों में वृद्धि करते हैं और भावों के फल में वृद्धि करते हैं, या इसे यूं समझें कि राहु को उन चीजों की प्राप्ति की अनंत इच्छा होती है या उनके मन में ये इच्छा जन्म लेती है।
पर केतु जिस ग्रह के साथ और जिस भाव में बैठते हैं जातक को उन चीजों और इच्छाओं से काट देते हैं। राहु को स्त्रीलिंग ग्रह माना जाता है तथा राहु वायु प्रधान ग्रह होता है। अब आप यहाँ ये प्रश्न उठा सकते हैं कि राहु और केतु दोनों अलग अलग फल करेंगे तो हमें किस ग्रह का फल मिलेगा, क्योंकि दोनों का राशि परिवर्तन एक साथ हो रहा है और दोनों 18 महीने तक एक ही भाव में बैठे रहेंगे। तो मैं यहाँ आपको एक सूत्र बताने जा रहा हूं, जिसे ध्यान से सुनिए। चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है। तो पहला सूत्र यह है कि चंद्रमा जिस दिन राहु के साथ होगा या राहु के नक्षत्र में होगा तो राहु के फल देगा आपको, तथा चंद्रमा जिस दिन केतु के साथ होगा या केतु के नक्षत्र में होगा उस दिन केतु के फल आपको मिलेंगे। दूसरा सूत्र यह है कि राहु की महादशा या अंतरदशा जिनकी चल रही है उनको राहु का फल ज्यादा मिलेगा, तथा जिनकी केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है उनको केतु का फल ज्यादा मिलेगा। ये दोनों ही सूत्र आपके लिए नए सूत्र हो सकते हैं जो मेरे अलावा कभी किसी ने नहीं बतलाए आपको, लेकिन ये सूत्र मैं पिछले 8 या 10 सालों से अपने वीडियो के माध्यम से आपको बतला रहा हूं। अब चर्चा करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव डालने वाला है। कन्या राशि के जातकों के लिए राहु सप्तम भाव में और केतु प्रथम भाव में विचरण करेंगे। सप्तम भाव में राहु विवाहित जीवन में उथल पुथल मचा देता है, विशेष करके अगर आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में राहु शनि या मंगल हो और इस वक्त इन तीनों में से किसी एक ग्रह की दशा भी चल रही है तो आपको ज्यादा तकलीफ होगी। अगर पत्नी की कुंडली में भी लगभग यही स्थिति है तो अलगाव होने के कुयोग बन जाते हैं। नवंबर 2023 से जून 2024 तक व्यवसाय में नए योगा योग, सरकारी कामों में अग्रगति, सरकारी नौकरी में है तो अचानक तबादला, घर मकान बनने का योग बनेगा, प्रेम संबंधों में सफलता और प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं। जुलाई 2024 से फरवरी 2025 तक का समय दाम्पत्य जीवन में अलगाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, प्रेम संबंधों की वजह से समाज और परिवार के साथ दुश्मनी तक हो सकती, कर्मचारियों के लिए तनाव, आपका कारखाना या फैक्ट्री है तो उसमें हड़ताल हो सकती है। हाँ, शनि की दशा अंतरदशा में अगर आप नहीं हैं तो समस्या ज्यादा नहीं होगी। मार्च 2025 से मई 2025 अचानक किसी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, हालांकि भाग्य साथ देगा, उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी, माता को स्वास्थ्य लाभ होगा। अब प्रथम भाव के केतु का फल मैं आपको बताता हूँ। प्रथम भाव में केतु आपको दिशाहीनता का शिकार बना सकता है, सर पर आपके चोट लग सकती है, रोग और ऋण की वृद्धि होगी, बिना किसी कारण से आप डरे डरे रहेंगे और लगातार चिंताग्रस्त रहेंगे। गोचर की शुरुआत में नवंबर 2023 से फरवरी 2024 तक का समय परिवार में क्लेश करवाने वाला, पैतृक संपत्ति को लेकर झंझट, माता का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, चाहकर भी आप इस वक्त कर्म संबंधी यात्रा पर नहीं जा पाएंगे। मार्च 2024 से अक्टूबर 2024 तक का समय सफलता वाला रहेगा, बहुत दिनों से जिस चीज की चाहत थी वो अब मिल सकती है आपको, मित्र मदद करेंगे। नवंबर 2024 से मई 2025 शुरुआत में नए योगा योग, व्यवसाय में लाभ, विदेशों से लाभ मिलेगा। 16 मार्च 2025 के बाद का समय सम्मान हानि, डिप्रेशन और अकेलापन तथा दुर्घटना का योग बन रहा है। राहु और केतु दोनों का उपाय एक साथ करें, सफेद और काले तिल बराबर मात्रा में लेकर शनिवार को किसी बहते पानी में बहा दीजिए, समस्याओं में कुछ कमी आएगी। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए राहु केतु के गोचर का फल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।